जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। लवण सिंधु लावे लंघी लंबन लागे लड़ते लंगूड़े लांछित लभावन सहिल लहड़ी लघुकल लड़ना लांछना सहित हे नीलाद्रिश लवण्य लपन दर्शन ललित यात्रा कुविधान लय रखिला लसा लबे पूरा आशा लय मो लाघव नमन हे नीलाद्रिश हे नीलाद्रिश हे जगदीश कि विचित्र आपणकर लीला जितेबले भक्त माने बा दर्शनार्थी माने ये क्षेत्र को आसंती ये क्षेत्र रे सर्वप्रथमे आपणकर देउळ पाखरे पहुंचंती काहिकि ए क्षेत्र मानक भितर श्रेष्ठ होउचंती आपणकर क्षेत्र एवं आपणकर बड़ देउळ तापर जितेबले आपणकर ये क्षेत्र रो तीर्थ बुलिबा पई आसंती अर्थात तीर्थराज महोदधि से तीर्थराज महोदधि पाखरे थरुटिए ये समुद्र को चाहिकी रही जाती कारण विश्व ब्रह्मांड रे जिते समुद्र रही जिते आपण देखि थे सागर महासागर रही ये पुरी रे अर्थात तीर्थराज महोदधि ये होती तीर्थ मानकर राजा एवं महोदधि से तीर्थराज महोदधि आलती टी देखिए जो आलती देखा द्वारा से मानकर मन उपर प्रभाव पड़ी थाए जीवन उपर निश्चित भाव प्रभाव पड़ी थाए सुप्रभाव से ही आलती की दर्शन करने अनेक भक्त भक्ता माने छिड़ा होती जे कि देखिए प्रत्येक आज उभय दुई गोटी जाक हाथ को ऊर्ध बाहू हो सुंदर भाव में जय जगन्नाथ नाम उच्चारण करुछंती देखिए गोटे कथा समस्त मुखर हस अच्छी समस्त समस्ते आनंद कहीं आलती दर्शन रे गोटे प्रभाव जे मन जदि अशांत रही थाए सी मन को आलती दर्शन आलती होना आलती मात्र प्रारंभ हे आलतीर प्रस्तुति किंतु केते उत्साह एवं सेमानन को उठरे हसरु जहाँ दृश्यमान हो आलतीर प्रभाव एत जे जदि मनुष्य प्रत्येक दिन आलती दर्शन कले ताले तार चित्त सब बेले आनंद रहिवो सुंदर भाव महोदधि ये हूँ लहड़ी ये लहड़ी आज्ञा आगुआ विराट काय विराट प्रबल मात्रा रे लहड़ी हेकिरी समुद्र राज तीर्थराज ये क्षेत्र को पलै आसुले किंतु प्रभु यांकर लहड़ी को छोट कर काहीकि ना लहड़ी लघु कल महाप्रभु निजे ये लहड़ी को लघु कर बेड़ी हनुमान को जगेकिरी दरिया महावीर जगी समुद्र देवतांकर विराट काय लहड़ी हेकिरी लंघन करिकिरी आसिबे नाही क्षेत्र को महाप्रभुंकर तीर्थराजंकर ये आरतीर दर्शन आरती पूर्वर जहाँ नीति होता है ये दुईज विप्रवाड़क समुद्र तीर्थराज को जाकि अभिवंदन करंदना कारण ये क्षेत्र तीर्थराज हूँ स्वयं राजा जिते तीर्थ रही सकल भूमंडल भुवन त्रिभुवन पुष्प अर्पण कले ओं श्रीयश्चते लक्ष्मीश्च पत्निया बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणी रूपमश्विनौ व्यार्तम इष्णन निषाणमुर्महिषाणम सर्वलोकं महिषाण पुष्प अर्पण कले अक्षत अर्पण कले कहीं अक्षत पुष्प ये हूँ लक्ष्मी स्वरूप बा प्रभुंकर ये जो सृष्टि प्रभु को परमात्मा को आम कौन प्रतीक्षा करते बड़े समुद्र राज लहड़ी टी आग को आसबे और क्षीर अर्पण करेंगे क्षीर अमृत जहाँकि आमको गोमाता प्राप्त होता है ये गोमाता आम प्रति बरदान हूँ कौन ना क्षीर जहाँ आम गाई प्राप्त होता सी अमृत पांचटी जाक अमृत भितर क्षीर हूँ गोटे अमृत एवं जो क्षीर को अर्पण कर सारी आप देखिपारे तीर्थराज महोदधि किपर भाव लहड़ी में लहड़ी कूल को आसीगला से ही स्थान में प्रणाम कले ये प्रभाव आरतीर प्रभाव आम देवतांकु देवा माने आम देवतांकु किपर भाव देवता होती देकरी बता आम देवतांकु किछि दबाकु पड़ी से आग सर्वप्रथमे आसुआसु क्षीर अर्पण कले अक्षत अर्पण कले प्रत्येक भक्त माने विदग्ध विदग्धा जो भक्त माने रही तीर्थराज महोदधि सन्निधि समीपे प्रतीक्षा करते जपरी आखि नेत्र
चर्मचक्षु प्रतीक्षा करिछि, कीर्तन भी चलिछि, हाथरे दुईटी जाक हाथ करताली बाजुची। तीर्थराज महोदधिंकर से जो सनिधि से क्षेत्रटी आज प्रकंपित होउची, किए हरिबोल किए हुड़हुड़ी नाद। आउ किछि समय पर आरती जेतेबेले प्रारंभ हब, घंट घंटा ध्वनि उच्चारण हब, वर्तमान कीर्तन चलिछि। ये कीर्तन कौन, प्रभुंकर कीर्तन काहीकि होइथाय? ये कीर्तन करिवा द्वारा प्रभुंकर तो नामर प्रभाव अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। प्रभुंकर प्रभु जेमिति अनंत, प्रभुंकर कथा भी सेमिति अनंत। एवं प्रभुंकर जो दिव्य नाम, मंगलमय नाम, राम कृष्ण नाम सर्वदोष हरण जड़ जीव तारण हरि एक, जे प्रभुंकर नाम रे एमिति प्रभाव रहिछि, ये जड़ जीव को जे उद्धार कर दियंती, तारण कर दियंती, से होचि प्रभुंकर नाम। एवं से ही प्रभुंकर नाम उच्चारण करिवा द्वारा हरि नाम राम नाम जेते दूर जाए रे, गोहत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़ाए रे। एठी गोहत्या ब्रह्म हत्या ये जेते दोष रहिछि आज्ञा, यदि प्रभुंकर नाम हरि नाम राम नाम कृष्ण नाम ये कौन सब रहिबो, ये प्रभुंकर नाम जेते दूर जीव, ये प्रभु प्रभुंकर नाम रे एते प्रभाव, गोहत्या ब्रह्म हत्या भली पाप छाड़िकी पड़ेब। आउ ये तो महाप्रभुंकर क्षेत्र, ये परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र, कौन ये क्षेत्रर महात्म्य? से पुरीर मर्म मोर केही नाही जाने, सिंधु तीरे बट मूले नीलाचल नामे, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान, से स्थाने नायिका जम दंड अधिकार, आमी करी भल मंद विचार सभार। तेणु ये जो क्षेत्र सिंधु तीरे बट मूले नीलाचल नीलाचल नाम, ये क्षेत्र रे जमदंडर जमदंड मिले नाही, जहार मृत्यु हो जाए जमदंड मिले नाही। काहीकि ना ये तीर्थराज महोदधि रहिले, तीर्थराज महोदधिंकर जहाँकि आमर प्रसंग रही, जे महोदधिंकर परिसीमा आरंभ और शेष केउठारु, ये जो महोदधिंकि आपण दर्शन करुछंती तांकर परिसीमा केते, जेपरी श्रीक्षेत्रर पुरुषोत्तम क्षेत्रर परिसीमा दश योजन, दश योजन जदि जेपरी पाखापाखि आपणकर बीरजांग पर्यंत पळि आसिबे, अर्थात से पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र। किंतु तीर्थराज महोदधिंकर परिसीमा आरंभ और शेष केउठु, देखु हस्तचालित घंटी वादन चली, ये पश्चात भाग थी घंटा घंट, ये घंट कौन ना महाप्रभु पहंडी बेले बाजे, मंदिर भितर भोग बसी बेले बाजे, एवं अन्यान्य मंदिर मानक आलती भोग नैवेद्य ये सब इत्यादि कर्म से घंट बाजि थाए, हस्तरे धरी था बाम हस्तरे दक्षिण हस्तरे दंड द्वारा बजा जाए। आचार्य जी पीठ उपर बस पूजा कर देखते कीर्तन करुछंती, मझेरे मझेरे मस्तक को टिके नुआई दौंती प्रणाम करुछंती, वर्तमान चलीला प्राणायाम देखु, निर्वाण मुद्रा प्रदर्शन कले, निर्वाण मुद्रा प्रदर्शन करी हाथ में किसी पुष्प को धरले, एपटे भगवान पतित पावन नारायण श्रीमुखने बलियार भुज कर्पूर लगे, ये कर्पूर लगे कौन हम अति दिव्य आरती हम, मणिमा आरती, जो आरती की आम मैने दर्शन करवा, दुईटी आरती आम देखा, महोदधि आरती एवं भगवान पतित पावन नारायण आरती, कहीं कुआडे जामतुनी माँ माने बापा माने भाई भूनी माने जो माने जय जगन्नाथ टीवी घरे बस दर्शन करुछंती, से माने सुंदर भाव रे से माने कौन ना घरे बसी थांतु, आपण जय जगन्नाथ टीवी आगे बसंतु, कहीं कुआडे जामतु ना, कारण ये सुंदर जो संजोग गोटे पटे पतित पावन आरती आ गोटे पटे तीर्थराज महोदधि आरती, जहाँकि आम प्रस्तुति सरला आउ कि समय पर हम, एवं महाप्रभु कर्पूर लागे होती सुंदर भाव में माल चूल परिधान कर प्रभु जगन्नाथ नयनर पथे गोचर हुंतु मोर, संध्या समय रे तीर्थराज महोदधि दर्शन करुंट, देखु तीर्थराज महोदधि लहड़ी द्वारा कूल आड़ी सी पलै आसुंच, सते जपुरी तीर्थराज महोदधि व्याकूल हो तीर्थराज, मुते तीर्थराज कहते मुझे सते पलैबी मो प्रभुंकर दर्शन करपरी भाव रे महाप्रभुंकर दर्शन आम मैने करुचे, घंट धरले विप्र बाक मानी
आरती प्रारंभ हम आरती प्रारंभ हम अग्नि संयोग हे कर्पूर दान में यो तीर्थराज महोदधि दर्शन आपण मैंने कर महोदधिर परिसीमा आरंभ और शेष क्यों आम मैंने जाऊे महोदधि महोदधि कहीदे तीर्थराज महोदधि स्नान करुचे कि मन रखत ये गोटे कथा आसे प्रसंग आसे आपठू के पर्यत स्नान करेंगे तीर्थराज महोदधि एवं ये तीर्थराज महोदधि आरंभ केवर परिसीमा शेष केास्त्र निर्देश कर घंट बाजला तालर सहित तालर ताले घंट बाजुच्छे तीनटा जाक घंट जदि देखिए गोटे एका थरके जो बाड़ी धरी जो दंड धरी गोटे लयरे गोटे तालर से घंट बाजुचे आरती दानी जो आरती दानी टी रही सुंदर भाव में ये प्रस्तुत है कर्पूर चूर्ण करा ये कर्पूर चूर्ण करापर पड़ा और अग्नि संयोग है देखु अग्नि प्रज्वलित बंदे जात वेद हुतासन एक प्रदीप द्वारा से लगे से महाआरती को जो आरती की वर्तमान आचार्य जी पीठ उपर बसी से संस्कार करेंगे से संस्कार देखते संस्कार कले संस्कार कर सारे आरती कराए ये हूँ आरतीर विधान आपत एमती सेमती आम आरती करना प्रत्येक जिनस जहाँ देवता सेवे देवता पूजार आपण लगे ता संस्कार आवश्यक एवं महाप्रभु मंदिर में प्रत्येक वस्तु जहाँ महाप्रभु को लगे हम चंदन हो फूल हो तुलसी हो वस्त्र हो संस्कार हो संस्कार करा जाई तापर महाप्रभु श्रीअंग लगे एवं यह हूँ विधान शास्त्र विधान देखु महोदधि आरती वर्तमान करा से आरती को से हस्तरे वर्तमान उठेकर आरती प्रारंभ हो इपटे भगवान पतित पावन नारायण कर्पूर लागे संपन्न हो कर्पूर लागे जहाँकि आम देखिए संध्या समय महाप्रभु को कर्पूर लागे पतित पावन नारायण आप प्रत्यह दर्शन करूँ आई क्षण पर आरती होपटे तीर्थराज महोदधि आरती प्रारंभ होला समस्ते माँ मान जो माने घरे बसी हुड़हुड़ी टिके देवे संध्या समय रे तीर्थराज महोदधि उद्देश्य आपण हुड़हुड़ी देवे किंतु से हुड़हुड़ी आपण केउठी देवे ना आपण घरे बसिकी देवे सते जेपरी आपणकर से घरटी आज तीर्थराज महोदधि से क्षेत्र पालटी जीव किछि क्षण पई देखंतु आरती को धरी छंती एवं शीर्ष देश रे से आरती को देखौछंती काहेकि ना सकल देवता माने जिते बड़े आरती हुई थाए ये आरती समय रे सब देवता स्वर्गर ओक आसिक तीर्थराज महोदधि देवता शक्ति देवता हूँ सूक्ष्म शरीर देवता सहजे आम भाव आम चर्मचक्ष दर्शन करवा हूँ आज्ञा भूल कहीं ये मनुष्य संसार रे समस्त शरीर अच्छी आम खाली आखिरे जहाँ को देखिपे एमती अनेक जीव अच्छा जहाँ अच्छा कितु आम खाली आखिरे देखिपे जो मानक देखापी कि जंत्र आवश्यक से ये देवता मानक देखापी ये सूक्ष्म चेतना मध्य आवश्यक सूक्ष्म दृष्टि मध्य आवश्यक देखु ऊपर को देखते आरती वर्तमान मध्य को देखा केतल को नहीं जाऊँगी येपरी जेपरी आकाश में गोटे विहंग टीए गोटे पारा टीए लोटणी खेली थाएपरी हूँ आरती कर विधान आरती एपरी करवा दरकार जेपरी आरती रे जो अग्नि रही था से अग्नि हलचल हे ना दोहलिए ना सेपरी आरतीर विधान किंतु तीर्थराज महोदधि आरती ता गंगा जमुना सरस्वती जिते सब नदी रही पवित्र नदी पवित्र तीर्थ मानक आरती आपण देखिथे से सब आरती कौन हुए ना विराट काय टे आरती दानी रही थाए कहीं दानी जदि क्षुद्र हम जेहेतु तीर्थकूल वायु प्रवाहित बेग अति तीव्र रही थाए से निम्ते ये कौन कराए ना विराट काय आरती दानी कर्पूर दानी बा विराट काय बलिता घृत मिश्रित करा जाए आरती कराए एपटे मध्य देखिए भगवान पतित पावन नारायण जो दीप रही अखंड दीप से दीपे सुंदर भाव दीप लगला आछ समय पर आरती करा जीवो किछि क्षण पर सुंदर भाव आपण एपटे तीर्थराज आरती दर्शन करपटे भगवान पतित पावन नारायण आरती दर्शन करेंगे महाप्रभु को जब दर्शन करेंगे आरतीर प्रणाम करेंगे गुहारी करेंगे आसतु एवं तो संगीतमय परिवेश रे ना संगीत होती नाद ब्रह्म ये संगीत ब्रह्म को श्रवण कर महाप्रभु का आरती दर्शन करवा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ
करुणा सागर प्रभु हे पादे करे जुहार कि गुण वर्णी भी प्रभु हे तुम्हें जगते सार। जय जय श्री जगन्नाथ। आरती दर्शन करुले आपण माने तीर्थराज महोदधिंकर एवं पतित पावन नारायणंकर आरती सुंदर संगीतमय परिवेश रे एवं वर्तमान देखुछंती ठाकुरंकर ये संध्या दर्शन प्रभुंकर दिव्य संध्या दर्शन एवं ये जो संध्या समय रे दर्शनर विशेष महत्व रही महिमा रही जहाँकि संध्या समय रे साधु संत माने एभली कि देवता माने मध्य आसी थांती प्रभु को दर्शन करिवा पई। आपण माने तो टीवी परदार देखुछंती किंतु ये क्षेत्र रे जो साधु संत माने चतुपार्श्व रे मठर मानंकर विराजमान करिछंती मठर रहिछंती सेमानंक भितरु प्रभुंकर जो माने भक्त जो माने समर्पित एवं जो मानंकर विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषः जो मानंकर ज्ञान चक्षु अर्थात जो मानंकर विवेक जाग्रत से माने अनुभव करि पारंती जे देवता माने ये क्षेत्र को कौनसी ना कौनसी रूप रे बा कहार रूप रे से मनुष्य हौ पशु हौ पक्षी हौ से माने आसंती आउ दर्शन करिकि प्रभु को जाई थांती जो पवित्र संध्या समय रो दर्शन काहिकि ना ये संध्या समय रे आपण ये हूँ गोटे तीन प्रकार तीन टा कालर संध्या अच्छी प्रात काल संध्या मध्यान संध्या एवं सायं संध्या ये जो सायं समय रे ये जो संध्या अवसर ये समय रे प्रभु को दर्शन कले प्रभु ये समय रे कौन ना प्रभुंकर टिके कार्यरु प्रभु टिके अवसर नहीं कि प्रभु बसी थांती सेथिपाई भक्त माने संध्या समय जी जाइकि प्रभु को जहाँ गोटे कही थाए प्रभु कान में पकई दे थाए प्रभु तत्क्षण ताहा सुनी थांती भावग्राही सी भक्त वत्सल महाप्रभुंकर सुंदर अधरामृत को आपण माने दर्शन करुछंती प्रभुंकर ये क्षेत्र एवं आउ गोटे कथा आज्ञा आमे माने समस्ते भक्ति करुचे कहुचे आमे कौन ना प्रभु को भक्ति करुचे आमे प्रभुंकर भक्त किंतु प्रभु गोटे कथा कहुछंती गीतारे जे भक्ति भी आमर शास्त्र सम्मत होवा दरकार आमे भक्ति करुचे सत प्रभु को दर्शन करुचे आम जहाँ भी करवा शास्त्र सम्मत जदि हम तबे तार आमको फल मिलिबो जदि अशास्त्रीय कृत्य करिवा अशास्त्रीय कर्म करिवा किछि लोक अछंती से माने कहंती आमे मंदिर जाउचू एते व्रत करुचू उपवास करुचू पूजा करुचू तथापि प्रभु एते दुख दउछंती तथापि प्रभु एते कष्ट दउछंती काहिकि ना भक्तिटा मध्य शास्त्र सम्मत हवा दरकार जहाँकि आमर स्मृति शास्त्र रे वर्णना अछि स्वयं भगवान कहउछंती कहउछंती श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा भगवान कहते ये वेद एवं स्मृति ये सब मोरी आज्ञा एवं जस्त्यांग मूलंघ्य वर्तते यार आज्ञा को जो मैंने उल्लंघन करती आज्ञा छेदी मम द्रोही भगवान केड़े सुंदर कथा कहते कहते जी ये आज्ञा को उल्लंघन करे अर्थात वेद को माने ना शास्त्र को माने ना गीता को माने ना धर्मशास्त्र स्मृतिशास्त्र किसी माने ना तार मनमुखी कार्य करिथाय भगवान कहते यस्त्यांग मूलंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही जी ये आज्ञा को उल्लंघन करे सी हूँ मोर शत्रु मोर द्रोही सीए एवं भगवान आउ गोटे केड़े बड़ कथा कहीदे मद भक्त अपि न वैष्णव सी वैष्णव ही थांतु कि मोर भक्त ही थांतु सी मोर शत्रु हो जाती तेणु आमर सुंदर भाव में प्रमाण करुछंती शास्त्र जे भक्ति किपर करवा दरकार ना इतिहास पुराणाभ्यां वेद शास्त्र विधि विना केवला अहितुकी भक्ति ही बिना वेदशास्त्र पुराण इतिहास ये सबू भक्तिर स्वरूप वर्णना कर भक्ति से हीपर करवा दरकार जदि आपको न माने आम मनमुखी भक्ति करवा तबे भगवान कहते से भक्ति नुहे उत्पाताय सकल्प्यते ताहा उत्पात परिगणित हुए तेणु जहाँ भी हो महाप्रभुंकर ये क्षेत्र एठी भक्त जीव जीए भी आसुना कहीं जलचर थलचर नभचर नाना एठी प्रभुं पाखरे ये एभली एक क्षेत्र दर्शनाद मुक्तिदह साक्षात जानत रहो अजाणत रहो केवल ये क्षेत्र जदि प्रभु को पतित पावन को टे चाह दिए अवलोकन करदिए से चका चका आखि रंगा अधर को देखिदिए सी जहाँ भी कहीदे ता प्रभुंकर स्तुति हो जाए एवं एठी चलिले बुलिले ताहा परिक्रमा एठी शोइले दंड प्रणाम तेणु ये क्षेत्रर महिमा तेणु ये विचित्रमय क्षेत्र महाप्रभुंकर सेपरी ये क्षेत्र रे जो तीर्थराज महोदधि रहिछंती यहांकर परिसीमा आरंभ ओ शेष केउठु आपण के समुद्र कूल को जाइछंती समुद्र कूल को आपण जेतेबेले सुनिछंती तीर्थराज महोदधि
किंतु तीर्थराज महोदधिंकर आरंभ एवं शेष केउठु निश्चित भाव आम श्रवण करवा आपण देखुछंती टीवी परदार दुईट दृश्य गोटे हूँ अरुण स्तंभ एवं सिंहद्वार गुमुट अति स्पष्ट भाव दृश्यमान होता बेले आउ गोटे पटे पतित पावन नारायण दर्शन आपण मैंने करुँचंती ये दुईट दृश्य को आम मैंने कहीं देखुचे ना प्रथम दृश्य अरुण स्तंभ पछपटू पतित पावन को भक्त टीए देखि थाए बा अरुण स्तंभ पाखे छिड़ा होकर पतित पावन को सी गुहारि करिथाए एवं भगवान पतित पावन टीवी परदार आउ गोटे पटे आप दृश्य देखुछंती भगवान पतित पावन ये कहीं बसिंटी ये एभली ठाकुर जे भगवान तो गीतार कहते अनन्य चिंतयंतो माम जे जना परिजुपासते तेषांग नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् ये कलिजुग कलिजुगर आज्ञा अनेक खराब गुण कौन ये कलिजुगरे ना अनेक जो कथा न शुणिथे से कथा शुणवे जो कथा न देखिथे से कथा देखिए जो घटना न घटी ताहा घटव ये विचित्रमय कलिजुग कुलवंती निकार ही तेणु ये कलि कौतुक तातन जात कही कलिजुगर कौतुक को कहेब ना तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही तेणु यहीपरि भाव ससुरारी पियारी लभी जगते रिपुरूप कुटुंब भय तबते ससुर घर को एमती पुओ भल पाइब बापा माँ एपटे वृद्धाश्रम को जीवे तेणु ये हूँ कलिजुगर गुण तेणु कलिजुगर भयंकर समय आहुरी आगु को आसुची किंतु यही कलिजुगर आम गोटे भल गुण कौन ना ये कलिजुग जुग समय आन नही जो नर कर विश्वास ये कलिजुग भाया जुग आज्ञा आसबनी अनेक महापुरुष वर्णना करें ये जुगरे गोटे जीव जिते जल्दी भगवान को पाइब जिते शीघ्र से भगवान को पाइब आ सरल उपाय पाइब ता आउ कौ जुगर हो पार ना कहीं ना त्रेता सत्य द्वापर ये दान तपस्या यज्ञ द्वारा ये जीव भगवान को प्राप्त होता तपस्या माने हजार हजार वर्ष पर्यंत ये जीव तपस्या करूला किंतु कलिजुगरे केवल प्रभुंकर जदि नाम जीव नहीं जीव आउ आसिक प्रभु को टे दर्शन करुथब सी घरे हो दूर हो जी जो दर्शन करुँ प्रभु को तो दर्शन करुँचना ना ये दर्शन प्रभु नाम एत महिमा जे ये घोर कलिकाल कलिमल ग्रसित जीव अनेक पापर मुक्त हो प्रभुता चरणारविंद जो स्थान दे था से ही भाव अरुण स्तंभ चारिपटू आग सर्वप्रथमे जी भक्त जाऊँ अरुण स्तंभ चारिपाखे जो दीप जलुची से दीप को टी प्रणाम करुच्ची आलती भाव में ग्रहण कर मस्तक लगे सहित अरुण स्तंभ को स्पर्श करुच्चे सी सीधा सड़क जाऊँ पाद धोवापी पाद धोईक मंदिर भितर को सी प्रवेश करुच्ची सर्वप्रथमे जो प्रवेश करुच्च प्रवेश कला बेल सिंहद्वार गुमुटे रही भगवान पतित पावन नारायण ये पतित पावनांकर नाम जितेबले जीव ये क्षेत्र को आसे प्रभुंकर नाम शुणीदेक आसे भक्त वत्सल कहे प्रभु आपणकर तो नाम भक्त वत्सल आऊ तो महापापी प्रभु मु कौन आपण को पाईपरि मु तो घोर पापी अनेक पापर लिप्त होकर अच्छी भगवान कहते आरे मोर गोटे पूरा नाम पतित पावन से तार आखिर लुह बही आसे कहे मणिमा आपण केड़े दयालु आपणकर गोटे नाम पतित पावन जे आपणकर आपण पतित को मध्य उद्धार करती ये भली ठाकुर मंदिर भितर ओक आसिकी एटी द्वार मुहरे दांड घरे सिंहद्वार गुमुटे बसी पड़ी काले किए भक्त मोर रही मत न देखिपार सी मो श्रीमुख को तो टे देखीद तेणु ये दयालु ठाकुर दर्शन आपण मैने तो आपण मैने निश्चित भाव पूर्वर देखुले तीर्थराज महोदधि आरती एवं तीर्थराज लहड़ी तीर्थराज से सन्निधि से समुद्र कूल को देख आपणकर मन मन को निश्चित भाव में गोटे प्रश्न आसी जे ये जो तीर्थराज महोदधि कहते ये कौन पुरी जिते पर्यंत समुद्र अच्छी पुरी कोणार्क ठारू धरिकी समुद्र जे पर्यंत घेरिकी अच्छी ये कौन संपूर्ण तीर्थराज महोदधि ना कौन सी एक परिसीमा रही केतका अंश आंकर तीर्थराज महोदधि कहुए ये गोटे प्रश्न निश्चित भाव में आसी तो जहा प्रश्न आसे जे महोदधि परिसीमा आरंभ और शेष केउठु निश्चित भाव में गोटे आरंभ थाए एवं गोटे शेष थाए गोटे आदि थाए गोटे अंत थाए भगवान आदि ना कि अंत ना ब्रह्मा शिव आदि शेष न पावा तेणु आदि अनंत शेष ब्रह्मा शंकर जहां पा नहांतीपरी सगर मध्य देखिए सगर आदि ना कि अंत ना समुद्र को किए कौठ मापिपार समुद्र आरंभ कौठ समुद्र कौठ सरी किए के मापिपार ना समुद्रर लहड़ी किए किए मापिपार कहीं मापिपारे ना से भाव ये तीर्थराज महोदधि स्वतंत्र भाव में जहाँ शास्त्र में वर्णना अच्छी
परिसीमा रहिची। देखंतु सुंदर भाव रे बाईसी पावच्छ दृश्यमान हेलाणी। ये सही बाईसी पावच्छ जाऊ बाईसी पावच्छ को मनुष्य अतिक्रम करिकरी गला परे से प्रभुंकर दर्शन पाई थाए। ये बाईसी गोटी पावच्छ काहीकि मनुष्य काहीकि यहाँ को अतिक्रम करिबा को पड़े ना प्रत्येक मनुष्यर बाईसी गोटी दोष एवं दुर्बलता रहिची। प्रत्येक मनुष्य मनुष्य होकरी मनुष्य शरीर जी पाई बाईसी गोटी दोष दुर्बलता समस्त पाखे रही। तेणु ये बाईसी गोटी दोष दुर्बलतारु आम जिते मुक्त हवा बाईसी गोटी दोष दुर्बलता को आम बाईसी पावचर छाड़ी जीव जाए थाए प्रभु को दर्शन करने। तेणु यहीपरी भाव में महाप्रभुंर दर्शन आपण मैंने करुंट किए दुई हाथ को ऊपर को उठेकि प्रभु को प्रणाम करुच्ची किए दंडवत प्रणाम करुच्ची किए प्रभु को चाह रही किए इतस्तत भ्रमण करुच्ची किए गोटे लय प्रभु को चाहकर रही। भाव में अनेक भाव अनेक भक्त किए के भंगी में प्रभु को प्रणाम करुंट। तो तीर्थराज महोदधी को आड़ी जावा महोदधी कथा टी शुणा तीर्थ महोदधी परिसीमा केदि आप देखिए ये तीर्थराज महोदधी परिसीमा ये भगवान शंकर आरंभ एवं शेष होगवान शंकर पाखरे शिवं आरंभ एवं शिवं शेष भगवान शिव जी कि हूँ परम वैष्णव एवं भगवान बड़ ठाकुर आप दर्शन करे कि हूँ स्वयं रुद्र बलराम हूँ स्वयं रुद्र बलभद्र हूँ स्वयं शंकरषण से स्वयं शिव अटंती। तेणु भगवान बड़ ठाकुर जहाँकि आमर कहुच ब्रह्मा विष्णु महेश्वर केतेक ग्रंथ मानक वर्णना अच्छी जे जगन्नाथ हूँ स्वयं महाविष्णु सुभद्रा होती ब्रह्मा एवं शिव हूँ बलभद्र। भाव में जो तीर्थराज महोदधी क्षेत्र ये तीर्थराज महोदधी से परम तीर्थ जो महातीर्थरे जपरी सूर्य उदय हो गले आमर अंधकार नाश हो जाए सेपरी तीर्थराज महोदधी पाखरे ये कोटि कोटि संख्यार तीर्थ रही से समस्त पापनाशनाकारी तीर्थ अटंती तीर्थराज महोदधी। तेणु एठार जदि आप तीर्थराज महोदधी आलती तो दर्शन करुले प्रत्येक दिन दर्शन करुंट तीर्थराज भितर समुद्र में स्नान कले ये क्षेत्र में केवल स्नान नुह स्नान दान जप होम आपण जहा करे आपण देखिथे आपण जेकोसी कर्म करुंट तार जो पुण्य आपण को लाभ हुए से पुण्य आपण आउ गोटे पाप करवा द्वारा से पुण्य क्षय हो जाए कि तीर्थराज महोदधी जो कथा आम कहचे तीर्थराज महोदधी समुद्रंकर कन्या जी कि वरुण राजा कन्या गुमुट महालक्ष्मी दर्शन आम मैंने करुचे एवं एपटे पतित पावन दर्शन करुचे सुंदर भाव भगवती से श्रीमुख दृश्यमान हेलाणी माँ सांतानी चाह रही नमो नमो नारायणी वंदे वंदे माँ विष्णु पाटराणी नमो नारायणी ये होंगे स्वयं जगदीशंकर पाटराणी। हे माँ भगवती मु आपणकर कौन जश कह जहाँ पति होंगे जगदीश मुंकर जश कौन कह तेणु ये होंगे लक्ष्मी एवं लक्ष्मी हूँ चंचला से तीर्थराज महोदधी से समुद्र जो मंथन होते लक्ष्मी उत्पन्न होते ये सुंदर प्रसंग आम मैंने शुणुचे किंतु ये तीर्थराज महोदधी परिसीमा आरंभ एवं शेष कौटी जहाँ आम बामदेव संहिता ये तीर्थराज महोदधी परिसीमा संपर्क वर्णना होइछी ये तीर्थराज महोदधी जो परिसीमा ये बिल्वेश्वर पीठ ठारू आरंभ करी अलावकेश्वर अलावकेश्वर अर्थ बाबा लोकनाथ महादेव मंदिर पर्यंत संख्याकार क्षेत्र सीमा होची डेढ़ कोश। तीर्थराज महोदधी परिसीमा आरंभ कौठु ना ये बिल्वेश्वर ठारू आरंभ बिल्वेश्वर महादेव रही से बिल्वेश्वर महादेव ठारू आरंभ हो अलावकेश्वर लोकनाथ महादेव पाखे शेष प्राय देढ़ कोश बापरी भाव में आमर जदि आप देखिए ये सुंदर भाव में बामदेव संहित कहगला देढ़ कोश ये देढ़ कोश केपरी आम जो हनुमान जी लंका को जाते शहे योजन आमर यू हिसाब दस योजन ये जदि क्षेत्र को देखिए श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये क्षेत्र आयतन हूँ दस योजन विस्तीर्णम ये दस योजन अर्थ के
आमर गोटे योजना अर्थ हूँ 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर रु टे अधिक आज्ञा एवं जो बड़े 10 योजना हो 10 योजना अर्थ 10 8 80 पखापाखि 80 किलोमीटर पर्यंत ये क्षेत्र परिसीमा जहाँ कि आयतन पुरुषोत्तम क्षेत्र पखापाखि बीरजा पर्यंत से हीपरी भाव तीर्थराज महोदधी परिसीमा केते होची 1.5 कोश एवं आंकर परिसीमा आरंभ केउठु आरंभ बाबा बिल्वेश्वर ठारु आरंभ होई लोकनाथ महादेव पाखरे संपूर्ण इतिपाई आमर बिल्वेश्वर समारभ्य अलाबकेश्वरा विधि संख्याकार महाक्षेत्र सार्धेक क्रोश विस्तारम एवं विस्तृत भागेन यदाम्बु सरितांपति महोदधि मिमिख्यात तीर्थराज वनोत्तम ये तीर्थराज महोदधि परिसीमा आपण देखिबे लोकनाथ महादेव मंदिर पर्यंत संख्याकार क्षेत्र सीमा होची 1.5 कोश ये जो विस्तृत भूभाग सरितपति तीर्थराज महोदधि विस्तृत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र द्वारा प्रतिष्ठित शैव पीठद्वय ये जो शिवंकर दुईट शिवंकर कथा आपण शुणुले ये बिल्वेश्वर एवं लोकनाथ ये दुईजण को प्रतिष्ठा कर भगवान रामचंद्र ये मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ द्वारा प्रतिष्ठित ये दुईट शैव पीठ से निम्ते शैवपीठ द्वय ये उभय पार्श्वरे विद्यमान होकर अच्छा गोटे पार्श्वरे सुप्राचीन बिल्वेश्वर एवं अपर पार्श्वरे श्री लोकनाथ विराजमान करते तीर्थराज महोदधि मध्य भाग रे परम पावन चक्र तीर्थ एवं दक्षिण को अनन्योत्तम स्थान स्वर्गद्वार अवस्थित श्रीक्षेत्र पुण्य देवालय परिपूर्ण एवं तपस्वी मानंक आश्रम समूह द्वारा ये परिवेष्टित क्षेत्र एपरी भाव में तीर्थराज महोदधि आपण परिसीमा संपर्क में शुणुते कौठ आरंभ हो बिल्वेश्वर ठारु एवं शेष होती लोकनाथ महादेव पाखरे ये हूँ क्षेत्र महोदधि परिसीमा जहाँ आमर शास्त्र वर्णित वामदेव संहितार से भाव में यदि आप देखिए वर्तमान दृश्यमान होती पतित पावन भगवान जी कि पतित मान को उद्धार करने निम्ते पतित जन को उद्धार उड़ाऊ अच्छ पताका बाहू टेकी तुम्हे बसी चाहू चाहू विपत्ति करुछी डका महाप्रभु हे भक्त कहिता है प्रभु पतित जन को उद्धार महाप्रभुंकर बाना ये को बाना उड़ुची जासु पति तपावन बड़ बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ये पतित पावन बाना उड़ौछम जांकर जश कीर्ति को साधु संत पुराण वेद उपनिषद गान करूछम से महाप्रभुंकर दर्शन कड़े भाग्यर कथा भक्त साधु संत दर्शना दर्शनार्थी श्रद्धालु किए केते आसीछम किए केते भाव प्रभु को दर्शन करुछि एवं किए स्तुति करुछि केते व्याकुल देखंतु केते अनेक भक्त आसुछंती ये भक्त मानंकर भीतर गोटे व्याकुलता को आपण देखि पारुथिबे जे मु आग कर्पूर आळती नेबी मु प्रभुंकर आळती कि नहीं मस्तक लगेबी ये विश्वास एवं यही विश्वास रे ही प्रभु आम को प्राप्त हेबे ये विश्वास जहाँ कि आम जगन्नाथ दास जो भागवत शेष करुछंती भागवत शेष रे विचार कले मु कौन लिखिबी कौन लिखिबी कौन लिखिबी एडा बड़ ग्रंथ संस्कृत भागवत पुराण मध्य श्रेष्ठ भागवत जे वशिष्ठ ये परमशास्त्र भागवत को मु रचना कली ओडिया भाषा रे शेष रे मु दुईधाड़ी कौन लिखिबी विचार कले कले एते विराट ग्रंथ मु ताकु लिखि पारि नथंती मु किपरि लिखिली ना विश्वास बल रे लिखिली आउ सेई विश्वास मोर प्रभु को प्रति थिला सेई विश्वास रो कथा लिखिले जगन्नाथ दास कले कहई दास जगन्नाथ मूलटी अट विश्वास
होचंती मूलटी विश्वास अटे। यदि विश्वास अच्छी मो प्रभु ए स्तंभ भितर अच्छा, हाँ ये स्तंभ भितर प्रहलाद कहिले प्रभु अच्छा, प्रभु प्रकट हो गले, से भाव से विश्वास अच्छी तो से समर्पण अच्छी तो से आम भक्ति प्रभु प्रति शुद्ध अच्छी तो पवित्र अच्छी तो से विश्वास जदि रही प्रभु प्रकट हो जाए शंख चक्र गदाधारी भगवान दर्शन आम पाई एले मात्र संदेह ना विश्वास विश्व प्रतिष्ठित विश्वास सृष्टि आत जात विश्वास सृष्टि आत जात विश्वास को नहीं विश्व प्रतिष्ठित से ही विश्वास बल संध्या होची सकाल होची विश्वास बल सूर्य उदय होचंती विश्वास बल सूर्य अस्त होचंती नदी माने प्रवाहित होचंती वायु प्रवाहित होची वृक्ष फल दौची ऋतु परिवर्तन होची से ही विश्वास बल तेणु विश्वास विश्व प्रतिष्ठित विश्वास बल ये विश्व प्रतिष्ठा होची एवं से ही विश्वास बल सृष्टि आतजात होची से निम्ते जगन्नाथ दास कहते अति बड़ी मूलटी अटई विश्वास प्रभु को दर्शन करुचे क्षेत्र को आसुचे प्रभु प्रति आम विश्वास अच्छे साल बेगंर भरोसा थिला साल बेगंर कहले प्रभु सात सौ पंचाश कोश चली न पार मोह जीवा जाए नंदी घोषे रही हे जगबंधु हे गोसाई मोर विश्वास अच्छी आपण भक्त वत्सल सात सौ पंचाश कोश अर्थात वृंदावन ये वृंदावन रु चलिकी जापरिनी प्रभु मत समय लगे आनाथ हे जगबंधु हे गोसाई मु गला गला बेलू आपण तो वर्ष सारा देवल भितर रोचे आपण को मुझे देखिपार गला बेलू जमी आप प्रभु रथ उपरे मोह जीवा जाए नंदी घोष थी रही से भाव भक्त डाकि साल बेगंर से आकु भाव से निवेदन भगवान स्वीकार करते रहीगला रथ गड़ा ना राजा स्वप्न है मोर भक्त न आसिले मुमि जीवि तेणु भक्त मोर प्राण भक्त मोर जीवन आरे से मत कही सी न आसवा जाए मुपरिना मस मस धरी रथ रही बड़दाण्ड में प्रमाण अच्छी साल बेग आसला रथ गढ़ा तेनाली तो विश्वास भक्त जितेबले विश्वास सह प्रभु को चिंता कर दिए प्रभु को डाक थाए प्रभु तार गुहारी शुणी था तेणु से ही प्रभु प्रभुंर महिमा हूँ धन्य धन्य प्रभु तुम महिमा विश्व ब्रह्मांडे ख्यात ब्रह्मा शिव स्तव करती तुम न पाई अंत लीला लगाइल गोपरे प्रभु शिशु अनंत गिरी गोवर्धन तोलिल बाम अंगुली अग्रे महाप्रभुंर लीला अनंत लीला अपरंपार प्रभु भक्त भाव डाकि भक्त विश्वास कही प्रभु रथ रही नंदी घोष थी रही प्रभु रही नंदी घोष रे दासिया नड़िया देला सांत ब्राह्मण को कही सांते खाली प्रभु आगे मोर ना तीन थर कह प्रभु बालिगाँ रु दासिया बाउरी पठेई नड़िया आपण ग्रहण करंतु दासियार विश्वास थला मो प्रभु निश्चित नड़िया नेबे प्रभु नड़िया नहीं कहीं आपण आम दबा नड़िया प्रभु नेबे से भाव शुद्ध होगा दरकार आज्ञा यदि पियर रहिबो भक्ति आमर पियर शुद्ध पवित्र रहिबो स्वच्छ रहिबो प्रभु निश्चित नेबे एबे नेबे जेबे आपण देबे प्रभु सेबे नेबे से भाव आमर आसु प्रभुंकर दया हेले से भाव आसिब प्रभुंकर कृपा हेले से विश्वास आसिब तेणु समस्त को सी जणई न था समस्त को सी देख न था समस्त को सी कही न था भाव तर अति प्रिय हेले जाए आमको सोई जानई जेहु देही जनाई सी ही जापर जहाँ को सी जणईबे जहाँ को सी देखदेवे तेणु से ही भाव से ही विश्वास सहित प्रभु को प्रणाम करवा हे महाप्रभु ये जगतर मंगल हो
जगतर कल्याण हो महाप्रभु। जुगे जुगे तुम जनम साधु भृत्यर हिते इंद्र गर्व चूर्ण करिल ज्ञान देण लवे दुष्ट दुर्जन रु संहारी कीर्ति रखिच मर्ते जगन्नाथ नाम विख्यात तुम होइचि सती। महाप्रभु दुष्ट निवारी संथ पाळु तु नाथ परम दयालु से प्रभु को प्रणाम करी ये अकिंचन एठी तार बाणी की विराम दौची एवं आसंतु शुणा जानवा कार्यसूची संपर्क जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरी रु वर्ष सारा।